आज हम माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएगा। पहले पार्ट में हमने फिजिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल देखा था, सेकंड लेक्चर में हमने केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल देखा था और आज हम मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं मैकेनिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 3। देखिए, मैकेनिकल मेथड में एक फिल्ट्रेशन ही एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन नॉर्मल, जैसे फ़िल्टर करना सबको पता होगा क्या होता है। फ़िल्टर करने में क्या होता है कि हमारे पास एक कोई भी एक फ़िल्टर का यूनिट होता है जिससे हम फ़िल्टर करते हैं। उससे जब हम फ़िल्टर करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे आप नॉर्मली आप चाय छानने के लिए एक छन्नी का यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह से फ़िल्टर ही करता है। हमारे यहाँ फ़िल्टर्स लगे होते हैं, आप पानी फ़िल्टर होता है उसमें भी आप देखते होंगे किस तरह के फ़िल्टर्स लगे होते हैं। उसमें जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसका पोर साइज़ कितना कम होता है, ठीक है, उसको आपको दिखता भी नहीं है कि पोर्स कितने हैं, एक पेपर जैसा ही रहता है। उससे आपका वाटर फ़िल्टर होता है, उसके सारे बैक्टीरिया और जो भी होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उससे फ़िल्टर हो जाते हैं। इसके अलावा जो पानी में और भी कई सारे सॉल्ट्स होते हैं वो भी फ़िल्टर हो जाते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं होते। तो फिल्ट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे कंट्रोल करता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। फिल्ट्रेशन इज़ एन एक्सेलेंट वे टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन सॉल्यूशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल एंड समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज सॉल्यूशन। अब जैसे कोई भी सॉल्यूशन हमारा हीट सेंसिटिव है, तो हीट सेंसिटिव होगा तो अगर हम उसको गर्म करके हीट करने की कोशिश करेंगे या उसको केमिकल से ट्रीटमेंट देंगे तो हो सकता है उसमें कोई चेंजेस हो जाएँ। केमिकल ट्रीटमेंट तो हम किसी सॉल्यूशन को दे नहीं सकते, तो सॉल्यूशन का जो कंटेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। हीट करने से कुछ सॉल्यूशन डिग्रेड हो जाते हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने से क्या होता है, स्टरलाइज हो जाता है पूरी तरह से। इसको स्टरलाइज कह सकते हैं, हम स्टरलाइज वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा देखिए पॉइंट लिखा है, रेदर देन डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फिल्टर सिंपली रिमूव्स देम। सिंपल, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर। देखिए फिल्टर्स दो टाइप के होते हैं, पहला हम पढ़ेंगे डेप्थ फिल्टर होता है, एक दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्टर। अब डेप्थ फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होते हैं, पहले हम आपको डेप्थ फिल्टर थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में समझा देते हैं, उसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए डेप्थ फिल्टर में क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जैसे एस्बेस्टॉस की रॉड या कोई भी ऐसे फाइब्रस मटेरियल का बना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक फ़िल्टर है, इस तरह से फ़िल्टर है, उसमें मान लीजिए तीन जोन में हम उसको बांट दें। ये इसकी चौड़ाई है, इसका एक तरह से डेप्थ कह सकते हैं, इसकी चौड़ाई ये इतनी है। इसको अगर हम तीन पार्ट में इस फ़िल्टर को डिवाइड कर दें, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, अब इस वाले को हमने यहाँ पे जो भी हमने मटेरियल फाइबर का यूज़ किया उसका पोर साइज़ थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें हमने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया कि उसमें पोर साइज़ हमने कम कर दिया, और तीसरा वाला जो था उसमें कुछ ज़्यादा ही हमने इसमें इस तरह से रखा फाइबर्स का अरेंजमेंट, बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट रखा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन हम इधर से डालेंगे, इधर से वो निकलेगा, इधर से डालेंगे और इधर से वो निकलेगा, पास होगा, तो क्या होगा, देखिए जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इस वाले पार्ट से फ़िल्टर हो जाएंगे, उसके बाद जो फ़िल्टर नहीं हो पाए होंगे वो इधर वाले पार्ट में जाएंगे, फिर इधर वाले पार्ट से फ़िल्टर होंगे, जो इधर भी फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे वो इधर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इधर वाले पार्ट में फ़िल्टर हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसकी जो डेप्थ होगी जितनी बढ़ती चली जाएगी, इसका हम डेप्थ कह सकते हैं, उतना ही अच्छा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम पोर साइज़ जो फ़िल्टर जिसका भी फाइबर्स यूज़ करते हैं, पोर सीलेन के फाइबर या एस्बेस्टॉस जिस चीज़ के भी फाइबर यूज़ करते हैं, अभी हम देख लेंगे कि क्या क्या हैं फाइबर्स, हम किस तरह के यूज़ करेंगे। तो ये हमारा डेप्थ फिल्टर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल है कि एक हमने डेप्थ फिल्टर बनाया, उससे फ़िल्टर कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन को, मीडिया को, जो भी हमें फ़िल्टर करना है। अब देखिए हम पढ़ते जाते हैं, और जो नहीं जो पॉइंट थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा समझाने वाला है, मैं उसको समझा दूँगी। तो देखिए डेप्थ फिल्टर कंसिस्ट ऑफ, इसको मैं मिटा देती हूँ, डेप्थ फिल्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ फाइब्रस और ग्रैनुलर मटेरियल। हमने जैसे आपको बताया कि फाइब्रस मटेरियल का बना होता है या ग्रैनुलर मटेरियल का बना होता है, इसके अंदर हम फाइबर का जो नेटवर्क है वो बिछा देते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दी सॉल्यूशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सक्ड थ्रू दिस
layer under vacuum and microbial cells are removed by physical screening or entrapment and also by adsorption to the surface of the filter material. अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने बनाया था इस तरह से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होते हैं, क्या तो इंट्रैप हो जाएंगे, जो भी इसमें हमारा फाइबर्स लगा होगा उसमें फंस जाएंगे, इंट्रैप होने का मतलब फंस के रह जाएंगे, या क्या होगा उनको एडजॉर्ब हो जाएंगे, जो हमारे फिल्टर का मटेरियल जो फाइबर बना हुआ उसमें एडजॉर्ब हो जाएंगे. अब एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा. एब्जॉर्ब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फेनोमेना होता है, पूरे उसमें वॉल्यूम में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एडजॉर्प्शन ए डी वाला सरफेस फेनोमेना होता है, मतलब इसके जो फाइबर की सरफेस में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रैप होकर रह जाएंगे, वो फिल्टर के बाद में पास नहीं हो पाएंगे, वो इसी में फंस के रह जाएंगे. तो इसको हम कह सकते हैं तो फंस के रह जाएंगे या तो एडजॉर्ब होकर रह जाएंगे. ठीक है, तो फिजिकल स्क्रीनिंग होती है इस तरह से. अब डेप्थ फिल्टर बने किसके होते हैं, डायएटमेशियस अर्थ के, ये एक तरह का एल्गल कह सकते हैं कंपोनेंट है डायएटमेशियस अर्थ. उसके बाद क्या तो पोर्सिलेन का बना हो सकता है, ये आप लोग याद कर लीजिए. पोर्सिलेन सिंपल आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, डायटम्स आप लोगों को याद ना हो तो पोर्सिलेन याद करके रख सकते हैं. अब रिटेंशन किस बात पे डिपेंड करता है, कि जो हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं इसको भरने के लिए उस फाइबर का थिकनेस कितनी है. बहुत ज़्यादा अगर थिक लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन भी ले सकते हैं, थिन लेंगे तो ज़्यादा भरना पड़ेगा, थिक लेंगे तो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा इसमें फिल्ट्रेशन. इसलिए हम फाइन फाइबर्स यूज़ करते हैं ताकि इंट्रैपमेंट या एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो सके. अगर हम थिक ले लेंगे तो क्या होगा, एरिया उसका कम हो जाएगा, और अगर थिन लेते हैं पतले पतले धागे अगर हम इस तरह से बांध दें कई सारे, तो आप देखेंगे सरफेस धागे का ज़्यादा होगा. खूब मोटा अगर रस्सी बांध दें तो तीन ही चार रस्सी कितना सरफेस क्रिएट कर पाएगी, ज़्यादा तो क्रिएट कर नहीं पाएगी. तो वही बात है. तो लास्ट पॉइंट वही लिखा है कि रिटेंशन रेट इज़ स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाई द डायमीटर ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर एंड थिकनेस ऑफ द फिल्टर, कि फिल्टर की हम थिकनेस कितनी ले रहे हैं, मतलब जितना बड़ा हम थिक लेंगे उतना ज़्यादा हम पोर साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे. डेप्थ फिल्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, अब आपने मन से भी लिख सकते हो डेप्थ फिल्टर क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम भी बना दोगे एग्ज़ाम में जैसा मैंने बनाया था अभी, तो भी किसी को भी समझ में आ जाएगा कि आपको आता है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है. मेम्ब्रेन फिल्टर सिंपली मेम्ब्रेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपके यहाँ अगर कोई फ़िल्टर है, जैसे एक्वाश्योर का फ़िल्टर है या जितनी भी कंपनीज आती हैं, जो भी कंपनीज़ आती हैं आप लोगों को पता होगा कई सारे कंपनीज़ हैं फ़िल्टर बनाने की, वो फ़िल्टर यूनिट्स बनाती हैं, उस पर से आप पानी डालिए, उसमें कैंडल्स लगी होती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, वो फ़िल्टर करती हैं वाटर को, तो वो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होती है, उसमें मेम्ब्रेन लगी होती है. मेम्ब्रेन से सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इस मेम्ब्रेन में आपका वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर भी आपने नाम सुना होगा, वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर वाइट कलर का एकदम कागज़ जैसा होता है, उसे मान लीजिए कि आपने कोई भी सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, उसमें मान लीजिए आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बना के ही रखा हुआ है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में फिर आपने देखा कि कुछ अंदर फंगस जैसा या कुछ काला काला तैरता दिख रहा है, या कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में गिर गया है, आप काम कर रहे हो उस दौरान उस पर कुछ कुछ चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो सिंपल आप वो पेपर लो के वॉट्समैन फिल्टर पेपर, उसको एक फनल में एक कीप जैसी होती है उसमें लगाएंगे और उसको सिंपल पोर कर देंगे. जैसे मान लीजिए मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, जैसे आपके पास ये पेपर है, इस तरह का पेपर होगा, उसको आप इस तरह की एक कीप होती है फनल इसमें लगा दो ऊपर से, ठीक है, ये फनल होती है. अब इसके नीचे बीकर रख दीजिए, ऊपर से सॉल्यूशन डालिए ये कागज़ लगा के, तो अपने आप वो फ़िल्टर होके इसमें गिरता रहेगा, ठीक है. तो इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हो नॉर्मली. तो ये आपका नॉर्मल वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर भी मेम्ब्रेन फ़िल्टर का ही एग्जांपल है. इसका पोर साइज़ अलग अलग होता है, जितना कम से कम पोर साइज़ हम लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा वो फ़िल्टर करेगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ़िल्टर करने के लिए बहुत ही 0.2 माइक्रोन का भी फ़िल्टर आता है. कभी अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी की लैब में आएंगे तो मैं आप लोगों को फ़िल्टर्स के टाइप दिखा दूंगी कि कैसे कैसे फ़िल्टर्स होते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा. उसमें क्या होता है कि जो भी फ़िल्टर है आपका, डेप्थ फ़िल्टर था, मेम्ब्रेन फ़िल्टर था, इसमें हम इस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं, इस तरह से जो भी सॉल्यूशन होता है उसको इस तरह से पास कराते हैं कि कोई एयर का कंटामिनेशन आए, वैक्यूम में पास कराते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है इस तरह के उसमें, ताकि एयर का कोई कंटामिनेशन ना आ जाए. पता चला कि हम फ़िल्टर कर रहे हैं उसमें एयर का कंटामिनेशन आ गया तो बेकार हो गया फिर. तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर समझ में आ गया होगा, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जो जो पॉइंट हमें टफ लगेंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे. मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैव रिप्लेस्ड डेप्थ फिल्टर फॉर मैनी पर्पसेस. अब देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर एक तरह से एडवांस
मेथड है फिल्ट्रेशन का। डेप्थ फिल्टर पहले यूज़ होता था, लेकिन मेम्ब्रेन फिल्टर अब एक एडवांस वर्जन आ गया है, तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स का ज़्यादा, क्योंकि मेम्ब्रेन फिल्टर्स का पोर साइज़ बहुत ही कम हम कर सकते हैं, 0.2, एक थिन शीट से एक पॉलीथीन के टाइप में समझ जाइए वो मेम्ब्रेन आती है जिसे आप पास कराते हो। पॉलीथीन का पोर साइज़ क्या होता है, आपको दिखता नहीं है, फील भी नहीं होता है, आप नॉर्मल कुछ पास करोगे, पॉलीथीन का तो बिल्कुल भी नहीं पास हो पाएगी कोई चीज़। उसी तरह से पॉलीथीन टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का, तो उससे हम लोग फिल्टर करते हैं, तो ये एडवांस वर्जन है इन कंपैरिजन टू डेप्थ फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैव रिप्लेस डेप्थ फिल्टर फॉर मैनी पर्पस। दी सर्कुलर फिल्टर्स आर पोरस मेम्ब्रेन अ लिटिल ओवर 0.1 mm थिक मेड ऑफ सेलुलर एसी। अब किस चीज़ का बना होता है ये भी, वो वाला पोर्सिलेन का बना हुआ था, ये सेलुलर एसीटेट, सेलुलर नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइलाइडीन, फ्लोराइड और अदर सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके पोर साइज़ अलग अलग होते हैं, 0.2 micrometer तक का हमारा आता है। और मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या होगा, हमारे पास 1 ml, 1 ml सोचिए कितनी कम क्वांटिटी होती है, 1 ml का अगर हमें कोई चीज़ फ़िल्टर करनी है, कोई सॉल्यूशन या कोई कल्चर फ़िल्टर करना है, हमारे पास 1 ml है केवल, उसको भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अब 1 ml का हम डेप्थ फिल्टर के पास लेके जाएंगे, उसे फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे तो डेप्थ फिल्टर में ही समा जाएगा, कुछ हमें बाद में मिलेगा ही नहीं, सब उसी में सोख लेगा सारा मटेरियल। तो उस तरह से बचने के लिए भी हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स में कम अमाउंट भी फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद किस किस चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्थेलमिक सॉल्यूशन। ऑप्थेलमिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो आँखों में डालते हैं, कल्चर मीडिया, ऑयल्स, एंटीबायोटिक एंड द हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस। उसके बाद एयर आल्सो कैन बी स्टरलाइज बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के लिए सॉल्यूशन को हम फिल्टर तो करते ही, साथ में एयर को भी फिल्टर कर सकते हैं। एयर को कैसे फिल्टर करेंगे, एयर को फिल्टर से आप लोग मास्क लगाते हैं तो वो एयर को ही फिल्टर करता है, वो जो कॉटन प्लग्स लगाते हैं, किसमें लगाते हैं कॉटन प्लग्स, कोई भी कल्चर को अगर आप स्टोर कर रखते हैं ऊपर से कॉटन प्लग लगा देते हैं, उसको सील नहीं करते ताकि एयर नहीं मिलेगा, तो फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, मर जाएंगे। तो कॉटन प्लग लगा के रखते हैं, उसमें हमारा सर्जिकल मास्क जो आजकल हम लगा रहे हैं वो भी एक तरह से एयर को ही फिल्टर करता है। वो एयर को, मतलब एयर को फिल्टर करने का क्या मतलब है, एयर को तो अंदर जाने देगा लेकिन जो एयर में कंटामिनेंट्स हैं वो बाहर ही इंट्रैप हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा सर्जिकल मास्क और कॉटन प्लग भी एयर को फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन फिल्टर में ही आता है, एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक। उसके बाद देखिए अब जो सबसे मेन है वो है हमारा हीपा फिल्टर्स। हीपा फिल्टर्स मतलब हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो हमारा लैमिनार हुड में यूज़ होता है। अब लैमिनार हुड का नाम सबने सुना होगा, लैमिनार एयर फ्लो भी कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक यूनिट होती है, एक चैम्बर होता है जिसमें हम कोई भी कल्चर हैंडल करते हैं, उसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, माइक्रोब से रिलेटेड कोई भी कल्चर है उसको लेके जाते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसके लिए सेफ होता है, उसमें कोई कंटामिनेशन बाहर से ना आ पाए, या वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैंडल कर रहे हैं उस वो एक तरह से कहीं ऐसा ना हो कि एयर के थ्रू वो बाहर की तरफ उड़ के आ जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लैमिनार फ्लो हुड का यूज़ करते हैं। अब लैमिनार फ्लो हुड दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारे वर्टिकल हुड होते हैं, एक दो टाइप के होते हैं, एक समझ जाइए वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है उसमें क्या होता है कि पीछे की साइड में फ़िल्टर्स लगे होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, और वर्टिकल वाले में ऊपर की साइड में लगे होते हैं, मतलब उसकी छत पे लगे होते हैं फ़िल्टर्स, ठीक है। तो जो छत पे लगे होते हैं वो हमारा वर्टिकल होता है। अब ये आपको याद कैसे रहेगा, पता चला हॉरिजॉन्टल में छत वाला लिख के चले और तो उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ वर्टिकल में क्या बनता है, वी इस तरह से बनता है, मतलब एक तरह से हम एक चीज़ को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं मतलब छत पे कुछ लगा हुआ है। और एच में तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ ऊपर की तरफ ले जाते हैं हम, वर्टिकल वाले में तो ये वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल में पीछे की तरफ लगा होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, जिनको याद ना रहे उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है एयर को फ़िल्टर करने का काम करता है। एयर को फ़िल्टर कैसे करता है, अब जैसे मान लीजिए ये यूनिट है ऊपर वाली, जब आप लोग लैमिनार देखोगे अपनी लैब में भी रखा हुआ है लैमिनार, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी, अभी यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। उसमें ऊपर वाले में क्या होता है, ऊपर से जितनी भी एयर पूरे रूम में अवेलेबल है उसको फ़िल्टर करता रहता है, जैसे उसमें कोई भी कंटामिनेशन हो तो वो फ़िल्टर आउट होती रहे, पूरी एयर ऊपर से यहाँ से खींचता है वो, ठीक है, उसको फ़िल्टर्ड एयर अंदर चैम्बर में भेजता है, फिर उसके बाद फिर खींचता है फिर भेजता है, इस तरह से सर्कुलेशन। उसके बाद जो इसमें कंटामिनेशन वाली एयर होती है वो फिर से सर्कुलेट होकर ऊपर जाती है, फिर फ़िल्टर होकर नीचे आती है। ये वाला भी यही करता है, ये पूरा पीछे से खींचता है, ठीक है, और
आगे से ये अच्छी और फिल्टर्ड एयर बाहर निकालता है। तो हीपा फिल्टर होता क्या है, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, बहुत ही इफ़िशियंट एयर फिल्टर्स होते हैं जो माइक्रोब्स को इंट्रैप कर लेते हैं, वो जो भी फिल्टर होकर हवा आती है उसमें से, उसमें कोई भी एकदम कंटामिनेशन फ्री होती है, तो हम जो भी कल्चर हैंडल कर रहे होंगे उसमें बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं आएगा, हम जो डिज़ायर्ड ग्रोथ चाह रहे होंगे वही ग्रोथ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर से आकर के ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसको हम पूरा स्टरलाइज करते हैं, इसकी जो फ्लोर होती है उसको स्टरलाइज करने के लिए स्प्रिट का यूज़ करते हैं, पूरा वाइप कर लेते हैं अच्छे से अल्कोहल, 70% अल्कोहल से वाइप कर लेते हैं, और जो उसका अंदर का पूरा एटमॉस्फेयर होता है उसके लिए उसको स्टरलाइज करने के लिए यूवी लाइट जला के हम 20 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर आप उसको और अच्छे से लिख पाओगे। तो इसको हम एक एक लाइन इसकी भी पढ़ लेते हैं कि अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर लेमिनार एयर फ्लो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स विच एम्प्लॉय हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर टू रिमूव 99.97% ऑफ 0.3 मिलीमीटर पार्टिकल, 0.3 mm पार्टिकल लिख लीजिएगा, ये मीटर लिखा हुआ है, ये आप mm कर लीजिएगा ये, ठीक है इसको सही कर लीजिएगा। लेमिनार फ्लो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स और हुड्स फोर्स एयर थ्रू हिपा फिल्टर्स दैन प्रोजेक्ट अ वर्टिकल कर्टन ऑफ स्टेराइल एयर अक्रॉस द कैबिनेट ओपनिंग, दिस प्रोटेक्ट्स अ वर्कर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग हैंडल्ड विद द कैबिनेट एंड प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ द रूम, ठीक है। अ पर्सन यूजेस दिस कैबिनेट्स व्हेन वर्किंग विद डेंजरस एजेंट्स सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूमर वायरस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप इटैलिक्स में लिखोगे एंड ट्यूमर वायरस मतलब इसमें लिखा हुआ है ये, लेकिन हम कोई भी कल्चर हैंडल कर रहे हैं वो ई कोलाई का ही कल्चर क्यों ना हो, उसको माइक्रो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर होगा भले वो ई कोलाई का क्यों ना हो, लेमिनार के अंदर ही उसको ओपन करते हैं ताकि कंटामिनेशन ना आ पाए, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रिसर्च लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, जब हमें स्टेराइल सरफेस चाहिए होती है, जो भी हमारे लैब्स होते हैं ना जहाँ पे हमारा सैंपल जाता है टेस्टिंग के लिए, या कोई भी हमें डिजीज़ होती है तो हमारे ब्लड सैंपल जहाँ पे टेस्टिंग के लिए जाता है, तो वो जो भी हैंडलिंग होती है वो लेमिनार में ही होती है। किसी भी लैब, बड़ी बड़ी लैब्स में लेमिनार एयरपोर्ट कई सारे लाइन से लगे होते हैं, और जो हम नॉर्मल जो अगर नॉर्मल वर्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इकोलाई का कल्चर या बहुत कोई डेंजरस कल्चर नहीं है, तो उसके लिए हमारा हॉरिजॉन्टल लेमिनार फ्लो सफिशिएंट होता है। वर्टिकल वाले थोड़े महंगे आते हैं, वर्टिकल वाले में काम करना बहुत ज़्यादा, अगर कोई डेंजरस टाइप का स्ट्रेन है माइकोबैक्टीरियम का ही या कोई वायरस का स्ट्रेन है, तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हमारा वर्टिकल टाइप का ही लेमिनार एयर फ्लो हो, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसमें पूरी तरह से सकिंग जो यूनिट होती हैं काफ़ी महंगी महंगी लगी होती हैं, बहुत ही अच्छे फिल्टर्स भी यूज़ होते हैं उसमें, तो उसका हम यूज़ उस टाइम पे करते हैं जब हमें बहुत ही वायरस या हार्मफुल बैक्टीरिया पे काम करना होता है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स मैंने आपको बताया लेमिनार एयर फ्लो में, आप क्या लिखेंगे अगर आ जाता है एग्जाम में जिसको कुछ भी ये सब नहीं समझ में आ रहा है, वो बस इतना लिख देगा लेमिनार एयर फ्लो एक कैबिनेट टाइप का, एक रूम टाइप का होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हैंडल करते हैं, ठीक है, कोई भी कल्चर उसमें हैंडल करते हैं, कंटामिनेशन फ्री सरफेस होती है, उसमें क्या होता है एयर का, एयर जो होती है फिल्टर हो के आती है, उसमें एयर फिल्टर होती कैसे है, उसमें हीपा फिल्टर्स लगे होते हैं, हीपा फिल्टर्स का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, और इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, रिसर्च लैब्स में, रिसर्च फील्ड में करते हैं, इसके अलावा हम लैब्स में करते हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ करते हैं, जहाँ भी हमें स्टेराइल सरफेस की ज़रूरत होती है वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया लेमिनार एयर फ्लो हीपा फिल्टर्स जो एयर का फिल्ट्रेशन करता है। तो फिल्ट्रेशन में इतना ही है आप लोगों को पढ़ना है, जो दो टाइप के फिल्ट्रेशन मैंने डेप्थ फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर बताए आई थिंक समझ में आ गए होंगे, और हीपा फिल्टर्स का भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब एक्सपेरिमेंट करोगे आके लैब में देखोगे कि कैसा है लेमिनार देखने में कैसा है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी क्वेरीज हो आपको इससे रिलेटेड पूछ लीजिएगा। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स आपका रह गया, इन्यूमरेशन ऑफ बैक्टीरिया हो गया, रह गया है कि बैक्टीरिया को काउंट कैसे करें, तो इन्यूमरेशन ऑफ बैक्टीरिया कल देखेंगे, उसके बाद अगले दिन हम माइक्रोबियल काइनेटिक्स देख के इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना देखिएगा आप लोग और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। थैंक यू।